भारत सरकार के द्वारा रोड टैप स्कीम लागू कर निर्यातकों को फायदा पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन निर्यातक रोड टैप से संतुष्ट नहीं हैं। निर्यातकों ने रोड टैप की निर्धारित दरों को लेकर कहा कि सरकार के द्वारा रोड टैप में जो रेट दिए गए हैं वे बहुत ज़्यादा कम हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो हमें दे रही है वे कोई इंसेंटिव नहीं है, बल्कि यह ड्यूटी है जो हमें मिल रही है। ड्यूटी का रिफंड हमें सरकार द्वारा दिया ही जा रहा है। निर्यातकों का कहना है कि कोई भी एक्सपोर्ट यदि हम किसी भी देश में करते हों तो निर्यातक को उसकी ड्यूटी वापस जरूर मिलती है। यही सरकार कर रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारी ड्यूटी को वापस कर रही है। इस दौरान निर्यातकों का कहना है कि सरकार के द्वारा जो निर्यात को कैटेगरी में बांट दिया गया है उससे निर्यातकों को बहुत परेशानियां हो रही हैं और जो हमें ड्यूटी दी जा रही है वे ऊँट के मुंह में जीरे की तरह है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि जो रोड टैप दिया जा रहा है वे कैटेगरी में न बांटकर सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के टर्नओवर पर मिलना चाहिए। सरकार के द्वारा फ्लैट रेट सुनिश्चित कर दिए जाएं जिससे कि निर्यातकों को परेशानियों से निजात मिल सके। उन्होंने बताया कि लघु उद्योग भारती मुरादाबाद के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती और राष्ट्रीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारती के माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को एक एजेंडा भी भेजा गया जिसमें रोड टैप को लेकर आ रही परेशानियों से अवगत कराया गया। इस दौरान अध्यक्ष अंशुल अग्रवाल, प्रदेश सचिव LUB अजय गुप्ता, जिमी हेमंत, जुनेजा संरक्षक रचित अग्रवाल महासचिव मौजूद रहे। निर्यातकों के सामने जो परेशानियां आ रही हैं वो किस तरह की परेशानियां हैं रोड टैप को लेकर और किस तरह से इन्हें फेस कर रहे हैं जो एक्सपोर्टर्स? देखिए, जो परेशानी आ रही है वो इस समय इसके रेट्स को लेके आ रही है कि इसका जो रेट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं वो हमें किस तरीके से कम मिले हैं, ज़्यादा मिले हैं, क्या है। हमारा सबसे पहला कहना है इसके अंदर ये है कि आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा, ये कोई इंसेंटिव नहीं है जो हमें गवर्नमेंट दे रही है। ये ड्यूटीज़ हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका रिफंड हमारे को मिल रहा है। हम कोई भी चीज़ आज एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री के बाहर कोई भी ड्यूटीज़ कोई भी टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, वो वापस मिलते हैं। हम आज एयरपोर्ट पे भी जाते हैं तो GST रिफंड का काउंटर बना होता है, किसी भी कंट्री के अंदर GST वापस मिल जाती है। कोई चीज़ अपने गिफ्ट के लिए वापस कोई लेके जा रहा है अपने आप, तो यही ड्यूटीज़ हमें वापस मिल रही हैं जो कि हम यहाँ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर हम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डीजल या पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं अपने यहाँ फैक्ट्री में, उस पर जो ड्यूटी लग रही है वो हमारी ड्यूटी एक्सपोर्ट हो रही है क्योंकि हमें कोई रिफंड नहीं है, वो वापस मिलनी है। तो इसको लेके हमारी परेशानी ये है कि अभी जो सरकार ने हमारे को कैटेगरीज बना दी कि इन्हें HSN कोड पे या इस मटेरियल के ऊपर हमारे को ड्यूटीज़ वापस मिलेंगी रोड टैप के माध्यम से, जिसकी परसेंटेज भी बहुत लेश मात्र है जो मिल रही है। उसमें कुछ कैटेगरीज हैं जो शामिल नहीं करेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मुरादाबाद के लिए आयरन बहुत बड़ी कैटेगरी है, आयरन का निर्यात करते हैं और उसके ऊपर हमारे को ड्यूटी रिफंड नहीं मिल रहा। तो ये तो ऐसा है कि कोई व्यक्ति या कोई एक्सपोर्टर कोई निर्यातक लोहे का सामान एक्सपोर्ट करे तो उसका जो टैक्स या ड्यूटी उसने पे करी वो रिफंड नहीं होगा, उसे भी रिफंड मिलना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ग्लास या ब्रास के एक्सपोर्ट पर ही रिफंड मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा कहना यह है लघु उद्योग भारती का कि ये जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं ये किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे ना मिलके निर्यात के टर्नओवर पे मिल जानी चाहिए वापस। अगर किसी व्यक्ति का टर्नओवर 10 लाख का है उसके एक निर्धारण हो जाना चाहिए कि इतना परसेंटेज आपको वापस मिलेगा, उसकी ड्यूटी में हमें मिलेगी। 10 करोड़ है उस पर ये मिलेगा, एक फ्लैट रेट होना चाहिए 1%, 2%, 5% जो कि वो ड्यूटी के फॉर्म में हमें वापस करें, जिसके कि हमने पूरे डाटाज भी गवर्नमेंट के पास तक पहुँचाए हैं। हमने अपने मुरादाबाद के हमारे अध्यक्ष जी हैं श्री अंशुल अग्रवाल जी, उनके माध्यम से हेमंत जुनेजा जी ने एक पूरा लेटर बनाया है जो फॉर्म करके हमने भेजा है अपने प्रदेश सचिव और प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से। हमने देश के नेशनल प्रेसिडेंट श्री बलदेव भाई प्रजापति जी को भेजा है, जिन्होंने निर्मला सीतारमण जी को फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर बना के भेजा है कि रोड टैप क्या चीज़ है, उसमें हम कैसे अपने टैक्सेस को वापस ले सकते हैं, कैसे हमें मिलना चाहिए, पूरा लेटर बना के दिया है हमने। तो हमें उम्मीद है कि उससे हमारे को फ़ायदा मिलना चाहिए और गवर्नमेंट हमारी परेशानी को समझेगी, निर्यातक जिस परेशानी से जूझ रहे हैं वो समझेगी और उसका जवाब देगी हमारे को।